सब्सक्राइब कीजिए ऑटो तत्व को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट ऑटोमोटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्स हैपनिंग गाइस? गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल में ही मैंने अपने पहले 500 सब्सक्राइबर मार्क जो है क्रॉस कर लिया। वेल गाइस, आप सभी को बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल के कंटेंट को पसंद किया और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स, फीडबैक्स और सजेशंस की वजह से मैं अपने चैनल के कंटेंट को जो है अच्छे तरीके से बना पाता हूँ और आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अच्छे कंटेंट, ऑटोमोटिव से जुड़ी टेक्नोलॉजी और न्यूज़ जो है आप तक पहुँचा सकूँ। वेल गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का यह सपोर्ट जो है आगे भी जारी रहेगा और हम सब मिल के ऐसे और भी नए माइलस्टोन्स जो है अचीव करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द सपोर्ट, लव एंड also for all the valuable feedbacks and suggestions that you keep giving me. So guys, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक one of the most popular hatchback मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। Well guys, स्विफ्ट को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो हम सभी में बहुत ज्यादा पॉपुलर कार है और मारुति सुजुकी की वन ऑफ द मोस्ट टॉप सेलिंग हैचबैक्स है। तो गाइस, 2018 के ऑटो एक्सपो में फाइनली मारुति सुजुकी स्विफ्ट का एक नया जनरेशन लॉन्च करने वाली है इंडिया में। अब ये जो मॉडल है ये कम्प्लीटली नया मॉडल है, इसमें कई सारी नई चीज़ें हैं, नए डिज़ाइन है। ऑलरेडी इसकी ग्लोबल मार्केट में सेलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इंडिया में ये 2018 के ऑटो एक्सपो में जो है लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा हमें इस न्यू जनरेशन स्विफ्ट में। पहले हम इस बारे में बात करें, उससे पहले चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं स्विफ्ट कब आई इंडिया में और अभी तक उसकी जर्नी जो है कैसी रही है। मारुति सुजुकी ने इंडिया में स्विफ्ट को 2005 में जो है एक 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जो है सबसे पहली बार लॉन्च किया था। तभी से जो दोस्तों ये कार है लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है, यूथ, यंगस्टर्स, एंथुजियास्ट सभी को ये कार जो है तभी से बहुत पसंद आई है और हमेशा से इसकी सेलिंग जो है अच्छी रही है। 2007 में दोस्तों 1.3 लीटर का DDIS फिएट से सोर्स जो डीजल इंजन है वो भी फिएट में लॉन्च किया गया था और फिर मारुति ने 1.2 लीटर का K सीरीज इंजन जो है इंट्रोड्यूस किया नए वाले स्विफ्ट में, जो अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी करंटली इंडिया में दोस्तों दो इंजन ऑप्शंस के साथ स्विफ्ट जो है अवेलेबल है, एक 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर DDIS डीजल इंजन। तो गाइज, ये तो बात हो गई कि कौन कौन से इंजन के साथ मारुति ने जो है स्विफ्ट को लॉन्च किया था। इसका जो सेकेंड जनरेशन था दोस्तों कार का, ये तकरीबन 2010-11 के आसपास लॉन्च हुआ था और ये जो है अभी तक हमारे कंट्री में सेल हो रहा है। अब दोस्तों 2018 के ऑटो एक्सपो में इसी का जो थर्ड जनरेशन है फाइनली हमारे इंडिया में आ जाएगा। वेल गाइज, अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ओवरऑल जो स्विफ्ट का बेसिक शेप है या जो इसका फेमस शेप है वो तो इस नए वाले जनरेशन स्विफ्ट में भी इंटैक्ट ही रहेगा, लेकिन जो डिज़ाइन है ये मेजरली अपग्रेड किया गया है। इसके फ्रंट बम्पर, फ्रंट ग्रिल, हेडलैम्प, टेल लैम्प सभी चीज़ों को जो है मारुति ने नए तरीके से डिज़ाइन किया है और ओवरऑल जो है अब ये काफ़ी मच्योरली डिज़ाइन व्हीकल जो है आपको देखने को लगेगा। अब अगर हम इसके फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो नए वाले जो डिज़ायर है उससे इस वाले स्विफ्ट का जो है चेहरा काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर लगेगा। ऑब्वियसली बात है, नए वाले स्विफ्ट का जो है वो थोड़ा सा सेडान बेस्ड लुक जो है दिया गया है, लेकिन जो नया वाला स्विफ्ट है उसका भी जो ओवरऑल फ्रंट फेशिया है वो है सेम ही है। इसका जो है नया हेक्सागोनल ग्रिल है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और आपको ओवरऑल इसके डिज़ाइन में स्पोर्टीनेस और मैच्योरिटी जो है साफ साफ झलकेगी। डायमेंशनली भी अगर हम बात करें तो आने वाली स्विफ्ट जो है अपने करंट जनरेशन से थोड़ी सी बड़ी है। इसकी जो व्हील बेस है वो तकरीबन 20 mm ज़्यादा है अपने करंट जनरेशन से और विड्थ जो है वो भी तकरीबन 40 mm जो है ज़्यादा है अपने करंट जनरेशन से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ओवरऑल डिज़ाइन और इसके डायमेंशन की। अब आने वाले स्विफ्ट का जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो शायद करंट स्विफ्ट ओनर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करते हैं वो है इसके बूट स्पेस की। तो दोस्तों आने वाले स्विफ्ट की जो बूट स्पेस है वो 265 लीटर्स है, जो कि काफ़ी बड़ा है करंट जनरेशन के स्विफ्ट से। अभी जो करंट जनरेशन का स्विफ्ट है उसमें तकरीबन 204 लीटर का बूट स्पेस है, जो ज़्यादातर टाइम इनफ नहीं हो पाता है चीज़ों को पैकिंग करने के लिए, लेकिन आने वाले स्विफ्ट में 265 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जो कि सब्सटैंशियली बड़ा है अपने करंट जनरेशन से। वेल गाइज, अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका व्हील बेस और विड्थ बड़ा है नए आने वाले स्विफ्ट का,
तो इसमें जाहिर सी बात है जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रूमियर रहेगा अपने करंट जनरेशन से। इसका जो ओवरऑल डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो बिल्कुल नया है, नया लेआउट है, और करंट जनरेशन के स्विफ्ट से उसकी सिमिलैरिटी जो है काफ़ी कम है। अब ये जो करंट जनरेशन का स्विफ्ट का डैशबोर्ड है वो आपको स्विफ्ट से लेकर अर्टिगा तक देखने को मिलता है, और अगर आप बोर हो गए थे उसी सिमिलर लेआउट को देखते देखते तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि नए वाले स्विफ्ट का जो ओवरऑल लेआउट है वो फंकी है, काफ़ी स्पोर्टी है। अब दोस्तों इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी होगी ये अब लॉन्च के बाद ही हमें पता चलेगी, और लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसकी क्वालिटी जो है मारुति जाहिर सी बात है अच्छी ही रखेगी, क्योंकि स्विफ्ट जो है एक बहुत ही पॉपुलर कार है, और यहाँ पे मारुति जो है कोशिश करेगी कि अच्छे से अच्छे प्लास्टिक क्वालिटी का यूज़ जो किया जाए अपने बजट के अंदर, और आप तक जो है एक अच्छा ओवरऑल वेल बिल्ट वेल लेड आउट इंटीरियर जो है पहुँचाया जा सके। वेल गाइस सीट्स वगैरह जो है ये भी कम्फर्टेबल ही आपको देखने को मिलेंगे। मारुति यहाँ पे जो है सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखेगी, और जैसा कि अभी ट्रेंड चला हुआ है एयरबैग्स और एबीएस जो है मे भी शायद स्टैंडर्ड भी हो नए वाले स्विफ्ट में। फीचर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी जो है अपने जो भी करंट ट्रेंड के हिसाब से फीचर्स है वो इस नए वाले स्विफ्ट में भी आपको देगी, जैसे कि उनका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये तो बात होगी इंटीरियर्स डिज़ाइन की, अब हम बात करते हैं इंजन की। वेल अगर दोस्तों इंजन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो करंट इंजन लाइनअप है वो भी आने वाले स्विफ्ट में उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि वही 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन और 1.3 लीटर का DDIS डीजल इंजन जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो है जो कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है वो शायद हमें नए वाले स्विफ्ट में इंडिया में फिलहाल इनिशियली देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या पता शायद आगे चल के मारुति जो है एक परफॉर्मेंस एडिशन के तौर पे उस 1 लीटर वाले टर्बो पेट्रोल इंजन को जो तकरीबन 111 bhp की ताकत देता है उसको भी इंडिया में ले आए। लेकिन इनिशियली इंजन्स जो है दोस्तों वही 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर का डीजल इंजन जो है अवेलेबल रहेगा। अब इसकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी, राइड क्वालिटी, ये जो दोस्तों कार के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक सा छोटा सा ओवरव्यू दिया कि क्या चीज़ें जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए आने वाले स्विफ्ट में। वेल गाइस अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो ये नया वाला स्विफ्ट जो है ज़रूर से एक रन अवे सक्सेस होगा मारुति सुजुकी के लिए, खासकर अगर हम इसके ब्रांड वैल्यू और ओवरऑल इसकी पॉपुलैरिटी को नज़र में रख के बात करें तो। गाइस इस नए वाले कार में नए डिज़ाइन, मच्योर डिज़ाइन, अच्छे इंजन ऑप्शन, गुड इंटीरियर क्वालिटी और ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेज के साथ इंडिया में जो है ये कार हमें 2018 के ऑटो एक्सपो में देखने को मिल जाएगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या ओपिनियंस है इस नए स्विफ्ट के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऑटोमोटिव की दुनिया से ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथ ही दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और आप जाके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ पे दिया है। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ फासन यू सीट बेल्ट्स व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।